फतेहाबाद में चोरों के हौसले काफी बुलंद है। कॉस्मेटिक व्यवसायी के यहाँ लाखों रुपए की चोरी हो गई। बताया जा रहा है कि व्यवसायी मेला देखने के लिए गए हुए थे। परिवार जब वापस लौटा तो घर में सामान बिखरा पड़ा हुआ था। थाना फतेहाबाद क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद हैं। अभी एक दिन पूर्व पुलिस ने सराफा व्यवसायी के यहाँ हुई चोरी की घटना का खुलासा किया। इसके बाद चोरों ने एक बार फिर फतेहाबाद पुलिस को चुनौती दी है। इस बार कॉस्मेटिक व्यवसायी के यहाँ चोरों ने हाथ साफ कर दिया। जिस वक्त चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया, पूरा परिवार फतेहाबाद में लगे कंस मेले की झांकियों को देखने गया था। मेला देखकर परिवार देर रात्रि वापस लौटा तो घर में चोर तांडव मचा रहे थे। दरवाजा अंदर से बंद था। शोर मचाने पर चोर ऊपर के रास्ते से भागने में सफल हो गए। चोर कॉस्मेटिक व्यवसायी के यहाँ से लाखों की नकदी और आभूषण चोरी करके ले गए। सूचना पर इलाका पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच पड़ताल में जुट गई। मेरे घर पर रात को करीब 2:30 बजे करीब चोरी हुई। मैं दुकान पर गया था, मीरा का टाइम था, घर के पूरे सदस्य दुकान पे थे। इसी दो घंटे के अंदर चोरों ने मेरे घर पर चोरी किया है। मेरे लगभग रुपए वगैरह गए हैं और एक जंजीर, 4 अंगूठी, 2 तोड़ियाँ। जानकारी के मुताबिक फतेहाबाद कस्बा के मोहल्ला जमुना गली के रहने वाले मुकेश लोहिया कॉस्मेटिक व्यवसायी हैं। पीड़ित व्यापारी के मुताबिक विगत रात्रि परिवार के साथ फतेहाबाद में लगे कंस मेले की झांकियां देखने गए थे। रात्रि 2:30 बजे वापस लौटे तो घर का दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा खटखटाया तो घर में हलचल हुई। शोर मचाने पर चोर छत के रास्ते से फरार हो गए। ऊपर सीढ़ियों के रास्ते की कुंडी तोड़कर चोर घर में दाखिल हुए थे। व्यापारी का परिवार जब मकान में पहुंचा तो सामान बिखरा हुआ था। व्यापारी के अनुसार चोर 5 लाख रुपए की नकदी और लाखों के सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए हैं। व्यापारी के घर में इस हादसे के बाद कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल घटना की सूचना पर रात्रि में ही इलाका पुलिस मौके पर पहुंच गई। मामले में थाना प्रभारी फतेहाबाद आलोक कुमार सिंह का कहना है कि व्यापारी के यहाँ चोरी की वारदात हुई है। तहरीर आने पर मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल पूरे मामले की जाँच